वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे मसाला फिश करी की रेसिपी। एकदम सिंपल इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी बनाया है, तो हम देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं फिश करी बनाना। दोस्तों मैंने यहाँ पे मसाला फिश करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 केजी मछली लिया है। दोस्तों हम यहाँ पे रोहू मछली लिए हैं, यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो कॉम्फ्लेट या अमेरिकन कोई सा भी मछली ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले हम रोहू मछली को खूब अच्छे तरीके से धो लेंगे। 2-3 पानी से इसे अच्छे से धोएंगे, जो इसमें जो ब्लड लगे हुए हैं या जो भी गंदगी है वो निकल जाए। फिर इसे धोने के बाद फिर पानी में डालकर गेहूं के आटे से इसे अच्छे से धोएंगे। गेहूं के आटे से धोने से मछली एकदम अच्छे से साफ हो जाता है, एकदम चमकने लगता है। फ्रेंड्स देख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मछली बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है, एकदम अच्छे से चमक रहा है, ये देखिए। अब इसे एक पानी से और धो लेंगे, जो अच्छे से साफ और क्लीन हो जाए, आटा निकल जाए। अब हमने मछली को अच्छे से साफ करके पानी से निकाल लिए हैं। बहुत ही बढ़िया से मछली एकदम साफ और फ्रेश हो गया है, एकदम अच्छे से धो लिए हैं। आप चाहे तो हल्दी लगा के भी धो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आटा से जो मछली है बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है और चमकने भी लगता है और इसकी गंदगी निकल जाती है और स्मेल भी नहीं आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 चम्मच चावल का आटा लिए, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें मछली को डालकर अच्छे से हम कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद अब इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल में मछली फ्राई बहुत ही अच्छा होता है और टेस्टी होता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें मछली के पीसेस को डाल देते हैं। मछली को अब यहाँ पे हम डाल दिए हैं। अब मछली को उलटते पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मछली को लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। जब तक मछली फ्राई हो रहा है तब तक हम इधर मसाला की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 10 से 12 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 चम्मच सरसों पीला वाला लिए हैं, 25 से 30 लहसुन की कलियां लिए हैं, 10 से 15 सूखा साबुत लाल मिर्च, 1 स्पून जीरा, 3 स्पून साबुत धनिया, 1 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं जो इसे बारीक काट लिए हैं। अब मसाला को अच्छे से हम धो लेंगे। धोने से क्या है फ्रेंड, जो गंदगी है वो निकल जाता है। अब इसे अच्छे से धोकर जार में हम डाल देंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालकर इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अब हम मछली को उलटते पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसी स्टेज पे हम निकाल लेते हैं मछली को। इसी तरह हम सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फिश को फ्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से फ्राई हुआ है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब कलछा से थोड़ा सा साफ करके इसी ऑयल में थोड़ा और ऑयल डाल देते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम मेथी दाना 1/2 चम्मच ऐड कर देते हैं। मेथी दाना चटकने के बाद जो मसाला पिसा हुआ था वो ऐड कर देंगे। तो जार में मसाला लगा हुआ उसको भी धो के डाल देंगे हम क्लीन करके। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पे टमाटर नहीं डालना है, तो थोड़ा सा खट्टा करने के लिए यहाँ पर हम कट मैंगो पैक 2 पैकेट डाल रहे हैं। इससे जो है मछली का स्वाद बहुत ही बढ़ के और जबरदस्त आता है। हम मसाला को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से। मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर देते हैं। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी खाना पसंद है। अब इसे 1 उबाल आने तक इसे ढककर पकाएंगे हम। अब 1 उबाल आ गया है, पानी अच्छे से खोल गया है। अब इसी स्टेज पर हम फिश को डाल देते हैं। सारे फिश को डालने के बाद इसे अच्छे से हम चला देंगे, अच्छे से इसे ऊपर नीचे करके इसे मिक्स कर देते हैं। अब फिश को हम 4 से 5 मिनट तक इसे कवर करके पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है, फिश करी बनके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त टेस्टी फिश बनके रेडी हो गया है। अब गैस को करते हैं बंद। अब इसे सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। बहुत ही गर्मा गर्म और टेस्टी मछली बनके रेडी हो गया है। आप इसे गर्म गर्म रोटी चावल के साथ खाइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स और शेयर करके बताइए हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।